हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वालिद माजिद अब्दुल्लाह का मदीने में इंतकाल हो गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में पैदा हुए। जब उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा सगीदा आमिना आपको लेकर अपने रिश्तेदारों से मिलने मदीना मुनव्वरा गई। जब वहाँ से वापस हो रही थी तो मकाम अबवा में बीमार हुई और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महबूब माँ की शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम हो गए। उसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब की शफ़क़त में पले बढ़े। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से ज़्यादा चाहते थे, किसी वक्त भी आपसे गाफिल नहीं रहते और काबे के साए में अपने साथ बिठाते थे, जबकि ख़ानदान में किसी और को उनके साथ बैठने की हिम्मत नहीं होती। मगर सिर्फ 2 साल हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चल बसे। इस तरह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से मेहरबान मुशफिक दादा का साया भी उठ गया। दोस्तों, डेली सीरत तैयबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मुबारक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।